महेश्वर तहसील से लगभग 30 किलोमीटर दूर ग्राम जामनिया में सत्यवीर तेजाजी महाराज का मंदिर स्थापित है। यहाँ पर निरंतर कई वर्षों से बाबा के अखंड ज्योत जल रही है। तेजाजी महाराज का इतिहास चमत्कारी है। तेजादशमी पर मेले का आयोजन भी किया जाता है। गांव के राजेश पटेल द्वारा बताया गया कि सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज का जन्म 29 जनवरी सन 1074 को राजस्थान के नागौर जिले के खरनाल गाँव में हुआ था। उनका जन्म धोलिया जाट समाज में हुआ। तेजाजी को राजस्थान के 6 चमत्कारिक सिद्धों में से एक माना जाता है। तेजाजी को सबसे बड़ा गोरक्षक भी माना जाता है। गायों की रक्षा के लिए तेजाजी ने अपने प्राणों की बलि तक दे दी थी। तेजाजी की मृत्यु भाद्रपद शुक्ल दशमी शनिवार 1160 या 28 अगस्त 1103 को हुई थी। तेजाजी की शहादत की तिथि को तेजादशमी के रूप में मनाया जाता है। तेजाजी को भगवान शिव का 11वां अवतार माना जाता है। इसलिए अगर किसी को जहरीले सांप के द्वारा काट लिया जाता है तो उसे इस मंदिर में लाकर बाबा के नाम से धागे की 10 गठाने बांध दी जाए तो उसे बहुत ही जल्द आराम मिल जाता है। और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को उस धागे को छोड़ा जाता है। समिति सदस्य सतीश जाट के द्वारा बताया गया कि समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से प्रतिवर्ष नवमी की रात तेजाजी महाराज की कथा व दशमी के दिन सुबह भंडारे सहित मेले का आयोजन किया जाता है। महेश्वर से दिलीप यादव की रिपोर्ट। आज हमारे चैनल के माध्यम से महेश्वर तहसील के ग्राम जामनिया में सत्यवीर तेजाजी महाराज का जो मंदिर है उसकी विशेषताएं क्या है और ये मंदिर में यहाँ पर देख रहे हैं अपन कि काफी समय से मेले का आयोजन होता है, पर मेले का आयोजन किसने करा, चालू करा है और किस प्रकार होता है इसकी जानकारी अभी तक मुख्य रूप से किसी को नहीं पता थी। पर आज हम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और समिति के सदस्य लोग यहाँ पर बैठे हैं और महंत जी भी हैं, उनसे अपन ये चर्चा करेंगे कि भाई ये मंदिर किसने, इसकी स्थापना करी थी, यहाँ अखंड जो जलती है वो किसके माध्यम से जलाई जा रही है और कहाँ से लाए गए हैं और किस प्रकार की बाबा की जो भी विशेषताएँ हैं उनसे हम बात करेंगे। आइए हम आज यहाँ पर मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं सदस्य हैं उनसे बात करते हैं। आज हमारे सामने मंदिर समिति के सदस्य अध्यक्ष महंत जी सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और इनसे अब मंदिर के बारे में क्या क्या विशेषताएं मंदिर की और बाबा की क्या क्या विशेषता है उनके बारे में आज हम यहाँ के जो भी मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष और साथ ही साथ सदस्य लोग भी हैं और ग्रामवासी भी हैं उनसे अपन चर्चा करते हैं कि मंदिर क्या क्या विषय है। शुभ नाम आपका सर? राजेश पटेल भी। ये मंदिर की स्थापना कब से की गई और कितने कर गई? भाई साहब ये तो 3-4 पीढ़ी से ज़्यादा की बात है, हमारे पूर्वजों के पूर्वजों ने की है, उनको भी कोई पता नहीं था इतने पूर्व की है ये। ये यहाँ पर देखा जा रहा, मैंने कई बार सुना भी है कि बाबा की बहुत सी ऐसी विशेषताएं हैं कि लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं, मन्नत क्या क्या विशेषता है बाबा की और क्या क्या यहाँ पर लोगों के काम हुए होते हैं? भाई साहब यहाँ पर क्या होता है कि जो सांप जिसको भी डस लेता है वो 10 गाठन इनके नाम से बांध लेता है और यहाँ पर आज दशमी के रोज़ उनकी बेल कटती है और स्वस्थ होकर लौटता है वो। ये जो कार्यक्रम है किस दिवस को मनाया जाता है वैसे? ये भादों की नवमी दशमी के रोज मनाया जाता है। तो और यहाँ पर किस प्रकार का जैसे रात्रि जागरण का भी? रात्रि जागरण भी होता है, रात्रि नवमी की रात जागरण होता है और दशमी का मेला लगता है। तो रात्रि जागरण में किस प्रकार का कार्यक्रम किया जाता है यहाँ पर? ये नाटक होती है, तेजाजी की नाटक करते हैं, मतलब बहुत दिन से यही चल रही है मतलब परंपरा। और यहाँ पर अखंड ज्योत भी जलती है? हाँ, अखंड ज्योत भी जलती है यहाँ पे। तो ये अखंड ज्योत कहाँ से लाई गई है? ये हम सुरपुरा से लाए, राजस्थान से। और यहाँ पर मेला भी लगता है, उसका क्या उद्देश्य है? मेला लगता है तेजाजी के उत्सव मतलब बलिदान दिवस वैसे तो, लेकिन खुशी के हिसाब से मेला भी लगता है मतलब। और बाबा का जन्म उत्सव भी मैंने सुना है यहाँ पर। हाँ, मनाया जाता है। हाँ, बाबा का जन्म उत्सव मनाया जाता है। कब कब मनाया जाता है? 29 जनवरी को मनाया जाता है। बोलो वीर तेजाजी महाराज जय। भाई साहब ये यहाँ पर जो भंडारा हुआ किसके उपलक्ष्य में किया गया? जय तेजल सरकार की जय हो। भंडारा समस्त ग्रामवासी जामनिया की तरफ से रहता है, पिछले 15 वर्ष से ये चलता आ रहा है। करीबन 5000 पब्लिक भोजन करती है यहाँ पे। नवमी की रात को यहाँ तेजाजी का कार्यक्रम बहुत बड़े उत्साह से मनाया जाता है। दशमी के रोज हवन पूजा बाबा बैठक करते हैं, पूरे गांव में उत्साह रहता है और मेला लगता है और दूर दूरार से सब यात्री आते हैं, भक्त आते हैं और कार्यक्रम का आनंद लेते हैं, मेला करते हैं, भंडारे की प्रसादी लेते हैं।
यहाँ पर आज भंडारे में कितने श्रद्धालुओं ने भोजन प्राप्त किया? ये कम से कम 4-5 हजार पब्लिक ने भोजन करा आज। और ये भंडारे में सहयोग सबसे ज्यादा देखा जाए कितने का? सब पूरा गांव समस्त ग्रामवासी जामनिया की तरफ से रहता है। आपका शुभ नाम? सतीश जाट, तेजल सरकार। आपका शुभ नाम? भरत यादव। आप मंदिर के बारे में और ग्राम के बारे में सत्यवीर तेजाजी महाराज के बारे में क्या क्या? गांव के बारे में और मंदिर के बारे में, जब से मैंने वो संभाला जब से मैं तो देख रहा हूँ। नवमी की रात जागरण है यहाँ पर और दसवीं का बाबा का मेला भराता है। करीब काफी समय हो गया, करीब 45 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ। बाबा के और भी क्या क्या वैसे चमत्कार आपने रूबरू देखे हैं या सुने हैं? बाबा का चमत्कार तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे पान लग जाता है कोई को तो यहाँ पर बाबा के यहाँ पर आके बेल वेल बांधते हैं तथा हवन पूजन व मान का कार्यक्रम होता है। आपका शुभ नाम? भरत यादव। निवासी यही करें। ठीक है, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।